खरगोन शहर के कसरावा रोड पर गुरुवार को लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार में उस वक्त हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब नगरपालिका अमला यहां पर परिवर्तन के लिए पहुंचा था। दरअसल यहां 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा प्रस्तावित है। नगरपालिका अमला उसी की तैयारी के लिए पहुंचा था। दुकानें अन्यत्र लगाने के अनाउंसमेंट पर दुकानदारों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए नियत स्थान पर ही दुकानें लगाने की जीत की। मामला बढ़ने पर अमला बेरंग लौट गया। सब्जी विक्रेता महिलाओं ने बताया कि पहले से कोई सूचना नहीं थी, आप फल सब्जी खरीद लाए हैं, नहीं बेचेंगे तो खराब हो जाएगी। वहीं अन्य दुकानदारों ने कहा कि सीएम 14 को आ रहे हैं, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमला गुरुवार से भी तैयारी कर सकता है। नगर पालिका प्रभारी राजस्व अधिकारी महेश वर्मा ने बताया कि सभा की तैयारियों के लिए साफ सफाई करने अमला पहुँचा था। दुकानदारों को थोड़ी दूर अन्यत्र जगह पर दुकान लगाने समझाई दी, वो पर नहीं माने और नियत जगह पर ही बाजार लगा। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। समस्या ये आ रही है कि हम लोग यहाँ हर गुरुवार को बाजार लगाते हैं, लेकिन हमें आज के बाजार लगाने कोई सूचना नहीं दी गई और हम तमाम व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कौन कैसे पैसे कर्ज करके लाता है, कैसा लाता है, उधार लाता है, पाव लाता है, हर तरीके से अपनी घर की गृहस्थी चलाने के लिए, जो है अपने कारोबार को चलाने के लिए कहां कहां से बाहर से व्यापारी आए हुए हैं, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं देगी और हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, इसके लिए हमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतने गरीब व्यापारी जो लोग आए हुए हैं, आज का दिन इन्हें बाजार लगाने दिया जाए, क्योंकि मामा जो है अगले बुधवार को आ रहे हैं और नगर पालिका दो रोज में ये साफ सफाई कर सकती है। लिहाजा मेरी श्रीमान से गुजारिश है कि आज जो है यहाँ का हाथ लगाने दिया जाए। आज गुरुवार का बाजार रहते हैं, सब कच्चा माल रहता है, इतना किराया भाड़ा लगा के आएगा, कहाँ जाएंगे सब फिर? हाँ, फिर पहले बोल देना का, एक दिन पहले बोल देना, गुरुवार का कोई प्रोग्राम नहीं रखने का, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब गुरबा तो है, यहाँ 100-200 रुपया तो मिलता है। आपको नगर पालिका आई थी, क्या बोल रहे थे? यहाँ मत लगाओ धंधा, फिर कहाँ जाएगा फिर इतना धंधे वाले? मना कर रहे हैं यहाँ सर, सब्जी पाला है, सबका नुकसान ही हो रहा है ना, इतनी दूर से 100-200 रुपया कमाने वाले इंसान क्या करेगा बताओ तो? फिर बहुत सारे व्यापारी है, 2-3 हजार है व्यापारी, हटा क्यों रहे हैं? यहाँ कोई मेहमान कौन आने वाला है? कौन आने वाला है नेताजी? कौन आने वाला है? शिवराज सिंह आने वाला है। हम तो शिवराज सिंह का यही बोलते हैं कि हमारे धंधे वाले ना कभी कुछ करो, बस हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपका। स्वागत है, लेकिन हमारा ये कहने का है कि भाई तुम हमारा काम करो तो हमारे गरीब गुरबा ना तो हटाओ मत, हमारा तो कच्चा माल रहता तो हमारा तो सब नुकसान होगा। मेरा सुनीता पटेल, हमारे को 2-4 घंटे दे दो, उसके बाद में तुम कहीं भी करो, हमारे को आज का बाजार है, हमारे को तुम बेकार कर दोगे, हमने सामने वाले को माल वाले को क्या देंगे, क्या हमको जूते खाएंगे? हमको तुम कहो मत, हमारी तो परेशानी, हम शामों को रोना ही पड़ेगा हमको। आपको ऐसे क्यों हटा रहे? तुम क्या मालूम, हमको भी मालूम नहीं सर, अब क्या करें हम, अब गरीब इंसान है, हम तो 2 रुपए पे कमाने वाले हैं। हम नहीं, 4 दिन पहले हमको देना था, 2 दिन पहले बता देते ना, हम माल नहीं लेते मोल, ये सड़ा पेड़ा माल लेंगे तो बेचेंगे कैसे हम? बाजार में समस्या आ रही है कि माननीय शिवराज सिंह मामा बुधवार 14 तारीख को आ रहे हैं, तो हम स्वागत करते हैं उनका। हम लोग भी गरीब हैं, मैं ठेकेदार अंतिम सेन और ये हमारे जितने भी बाजार के 1500 लोग हैं, इन्होंने सुबह से सब्जी मंडी से अपना सामान लिया है, कोई टमाटर लाया है, कोई हरी मिर्ची लाया है, कोई प्याज लाए ले, कोई दाल लाए ले, और आपको आज नहीं लगाने देना था तो हमें सूचना दी जाती ना, मैं ठेकेदार को सूचना दी ना किसी व्यापारी को सूचना दी, हम जो अनाउंसमेंट करवा देते तो आज हम घर बैठ जाते गरीब, मगर आज अगर बाजार नहीं लगेगा तो ये लोगों का तो नुकसान भी होगा और सब्जी भाजी 1000 रुपए और जिस व्यापारी से लाए ले वो तो रात में पैसे लेने आएगा, लाओ पैसे लाओ, मगर जबकि अभी 8 रोज बचे हुए, बुधवार को आ रहा है शिवराज सिंह मामा, नगर पालिका 2 रोज में तैयारी कर सकती है, मगर ले दे के किसी गरीब को ही मतलब परेशान करना, तो ऐसा कोई शिवराज मामा ने तो कहा नहीं कि मैं 10 रोज पहले से तुम घेर लो और गरीबों को बिठाओ मत, तो आप कहे कि वहाँ नाके के पीछे लगाए, नाके के पीछे जगह कहाँ है? आज 1500 लोगों की दुकानें हैं, कैसी लगाएं और कहाँ लगाएं बताओ, या फिर हमको मुआवजा दें, मेरे को ठेकेदार को भी आज के नुकसान का मुआवजा दे और ये व्यापारियों को भी नुकसान का मुआवजा दे। 26 लाख में ठेका दिया है,
आप पैसा हर महीने के लिए जब अगर हम दो महीने लेट हो जाते हैं तो चेक लगा देंगे, फलाना लगा देंगे। अब आज अगर मैं ठेकेदार, मेरा आज 15,000 का नुकसान होगा और मेरे व्यापारियों का भी लाखों रुपये का नुकसान होगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? नगर पालिका करेगी? हम अभी चले जाते हैं घर, ये सारी सब्जियां भी ले लो, आप ले जाओ नगर पालिका, हम जब्त कर दो। हम तो आज बाजार लगाएंगे, नहीं तो फिर हमें मुआवजा दिया जाए। मेरा नाम है अंतिम दिनेश पिता बाबूलाल सेन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।